गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप मुझे सुरक्षित होंगे। तो देर लगाते हुए हम करते हैं अपना टॉपिक ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। क्या प्रोनाउंस का हम बात कर रहे थे, उसके अंदर हमने पर्सनल प्रोनाउन किया हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने ही सी इट दिस दैट का प्रयोग आपको बता दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसमें अब आगे हम करेंगे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि एक जब सेंटेंस के अंदर दो या दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो हम उसको किस प्रकार लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, इनमें से क्या आएगा, उसके बारे में कंफ्यूजन रहती है। तो आज हम आपको कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 231, 231। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यदि वाक्य में हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, 2 3 1। यानी कि हम वाक्य में यदि दो से अधिक प्रोनाउन आए हैं तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन यूज करेंगे, उसके बाद हम थर्ड पर्सन यूज करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन यानी कि खुद को हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प अदर। ठीक है, यानी कि आपको उसे और मुझे उसकी सहायता करनी पड़ेगी। तो हम पहले क्या लेंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इस प्रकार हम सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर है इतना। उसके बाद यदि ये तो होता हमारा सिंपल सेंटेंस के लिए, यदि वाक्य के अंदर, यदि सेंटेंस के अंदर कोई क्राइम कमिट कर रहा है, कोई पाप या भूल उसको स्वीकार कर रहा है, तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला जो वो चेंज हो जाता है। उसके लिए हम प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम करेंगे 1 2 3 का फॉर्मूला। ठीक है, 1 2 3 मींस समझ गए ना, पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और अंत में हम करेंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं। जैसे एक वाक्य लिया मैंने, आई यू एंड ही। अब यहां पर पहले फर्स्ट पर्सन है, फिर सेकंड पर्सन है और अंत में थर्ड पर्सन है, हैव कमिटेड अ सिन। ठीक है, इस प्रकार हम यदि कोई अपराध स्वीकार करने की बात की गई है तो हम उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे और वो ऑर्डर होगा हमारा 1 2 3। अब अगर तीनों एक साथ मौजूद ना हो तो क्या करेंगे हम, अगर तीनों, मान लो हमारे पास सिंपल सेंटेंस में ले लेते हैं हम, ही एंड आई आर लेट। अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ पर नहीं है। ऑर्डर हमने वही रखना है 2 3 और उनका सेकंड नहीं है तो सेकंड को काट लो, क्या बस गया हमारे पास 3 1। ठीक है, तो हम 3 1 का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। इसी प्रकार यदि आपका फॉर्मूला है 1 2 3 का, इसके अंदर यदि आपके पास 1 और 2 है, 3 नहीं है, ना रहे, आप 1 और 2 का फॉर्मूला यूज करें। जैसे आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, तो थर्ड पर्सन नहीं है, छोटे उसको 1 और 2 को आप यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये है हमारा एक छोटा सा टॉपिक ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आपको ये सारा काम करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड भी करना है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।